खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बस हादसे का मामला देखने को मिल रहा है। घटना स्थल पर पहुंचे एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान। सीएम शिवराज ने दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस समय की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हादसे के बाद शुरू किया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन। आपको बता दें कि हादसे में सभी मृतकों के शव को बरामद भी कर लिया गया है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बस हादसे का ये मामला। घटनास्थल पर एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं और दुर्घटना स्थल का निरीक्षण भी किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि हादसे के बाद शुरू किया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन, साथ ही जो शव हैं उनको भी बरामद कर लिया गया है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बस हादसा, वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान, साथ ही साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं और हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। हादसे में सभी मृतकों के शवों को भी बरामद कर लिया गया है। अभी मैं सीएम उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी के साथ हम लोग घटनास्थल पर जाकर आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। बस बहुत गहरी खाई में गिरी थी, लेकिन ये प्रशासन की मेहनत थी कि रात में ही सारे सब निकाल लिए गए। अभी थोड़ी देर में लगभग 11:30 बजे सभी पार्थिव शरीर यहाँ हॉस्पिटल में आ जाएंगे और वहाँ एम्बॉर्मिंग करके और एयरफोर्स से हम लोग एयरफोर्स के विमानों से उनको लगभग 1:30 बजे 2 बजे 2:30 बजे उनको खजुराहो विदा कर पाएंगे। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रशासन ने बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ और यथासंभव सारी व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश की है। यहाँ तक कि मॉर्निंग में काफ़ी समय लगता, अगर एक एक सब की होती तो एक साथ हो जाए, इस बात की भी व्यवस्था की गई है ताकि समय पर अपने घर पार्थिव शरीर पहुँच पाए। बहुत दुखद घटना हुई है, अत्यंत ही दुखद है और असमय उनके पारिवारिक जनों को, जो कि इतने बड़ा दुख उनके सामने आया है। अभी प्रशासन की तरफ से जो भी बचाव और राहत के कार्य हो सकते थे वो कल रात्रि ही हम लोगों ने प्रारंभ कर दिए थे और उसमें माननीय शिवराज जी का लगातार वहाँ से दूरभाष पर और दूरभाष के बाद रात्रि को 12 बजे आने के बाद लगातार सभी लोगों से संपर्क यहाँ पर उन्होंने भी स्थापित किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी और गृह मंत्री जी ने भी, उन्होंने भी लगातार वहाँ से चिंता व्यक्त की है और स्वयं उन्होंने जो भी बचाव राहत के कार्य में मदद हो सकती थी वो मदद की है। इसमें एनडीआरएफ की टीम भी लगी है, एसडीआरएफ